अगर एग्ज़ाम की बात करें तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है चैलेंजेस इसमें काफ़ी हैं क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस में होता है कई बार ऐसा होता है कि आप एक स्टेज में करते हो तो दूसरी में आपका नहीं हो पाता तीसरी स्टेज में फेल हो जाते हो फैमिली का साथ रहा फ्रेंड्स का साथ रहा सभी ने सभी सब, सपोर्टिव थे सभी ने मोटिवेट करा तो फाइनली हो पाया मेरा आपकी इेट जो मोटिवेशन है वो क्या है किस आपके पास कुछ ना कुछ होगा कुछ ना कुछ आपने ऐसा फील करा होगा लाइफ में जिससे आपके आपको लगा होगा हो कि लगा होगा कि अगर आप इस चीज़ में आते हो सिविल सर्विसेज में तो यू कैन मेक एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी तो अगर मैं किसी दो तीन बच्चों को भी इंस्पायर कर पाता हूँ एक अच्छी तरफ अच्छी लाइन की तरफ तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगा और सभी यूथ से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ अच्छा करो अपने रोल मॉडल्स अच्छे से चूज करो और अपने पेरेंट्स को और अपनी सोसाइटी को प्राउड फील करवाओ अगर बच्चे में काबिलियत है पहचानने की तो, हाँ पहचानने की जरूरत है तो फिर बच्चे को फुल सपोर्ट करो उस पर अपना प्रेशर ना डालो कि बच्चे नहीं आपने जे नहीं बनना जे बन जाओ पहले देखो कि बच्चा क्या बनना चाहता है उसमें गर्स है तो पेरेंट्स से ऑटोमेटिकली उसको सपोर्ट करना चाहिए हमें प्राउड है अपने दोस्त पे कि उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और हम भी फकर से कहेंगे कि हमारा दोस्त नवनीत सिंह आई ऑफिसर है नमस्कार टेकवन देख रहे हैं मैं रोहित शर्मा हाल ही में यू का रिजल्ट सामने आया है और इसमें जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बाजी ज़रूर मारी है और साथ ही साथ आरसपुरा इलाके की बात करें तो आरसपुरा से भी जो है खुशी की खबर आ रही है और खुशी की लहर इस इलाके में ज़रूर देखी जा रही है यहाँ के लोकल हैं नवनीत सिंह जिन्होंने यू को क्रैक किया है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नवनीत जी सबसे पहले आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच नवनीत जी आपसे भी यही जानना चाहूँगा सबसे पहले माहौल क्या है हम देख रहे हैं हमारे आते ही आपके काफ़ी दोस्त आए हैं यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रही है मिठाइयाँ खिलाई जा रही है कल से खूब मिठाई खाई होगी अब खा रहे हो या सिर्फ फार्मेलिटी हो रही है मिठाई को नहीं नहीं सर बिल्कुल खा रहे हैं जब से रिजल्ट आया है खुशी की लहर है फ्रेंड्स में जो भी रिलेटिव्स हैं सभी में गांव वाले भी सभी आ रहे हैं मुबारकबाद दे रहे हैं तो बिल्कुल मिठाई खा खा के मुंह मीठा हुआ पड़ा है और खुशी की बात है कि इतने साल का जो हार्ड वर्क था वो फाइनली इट पेड ऑफ़ और फीलिंग हैप्पी क्या लगा था इस बार जब रिजल्ट आना था क्योंकि हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो जाती रिजल्ट आने वाला होता फर्स्ट अटैम्प्ट था या सेकेंड या थर्ड कौन से अटैम्प्ट सर ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और सेकेंड मेन्स था और मेरा इंटरव्यू भी जम्मू में सबसे पहले मेरा ही इंटरव्यू हुआ था नाइनटीन ऑफ अप्रैल को तो नाइनटीन ऑफ अप्रैल से लेके थर्टीथ ऑफ मई तक का जो वेट जो रिज़ल्ट के आने का वेट था वो जैसे जैसे डेट पता लगती है कि रिज़ल्ट की पास आ रही है तो हार्ट बीट तेज़ होती है नर्वसनेस इंक्रीज होती है बिल्कुल लेकिन अंदर से एक था कि इस बार एफर्ट अच्छा लगाया है तो कहीं ना कहीं हो जाएगा तो फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो एक सेंस ऑफ रिलीफ़ और काफ़ी अच्छा लगा देख के कैसे रिजल्ट आया सबसे पहले आप ही को पता लगा था कि रिजल्ट आ गया घर में जब बताया तो एकदम से क्या सिचुएशन थी रिएक्शन क्या था सबके सर मेरा फ्रेंड है एक दिपंदर प्रीत ही इज़ एन के एस ऑफिसर तो उसी की मेरे को कॉल आई सबसे पहले रिजल्ट की तो उसके बाद मेरी एक कज़न की कॉल आई तो उसके बाद मैंने अपनी पी चेक करी तो उसमें फिर नाम देखा अपना मैं एक्चुअली घर पर नहीं था मैं सिटी गया हुआ था तो उसके बाद से फिर मैंने घर वालों को कॉल करी मेरे फादर साहब बाहर हैं कैनेडा ब्रदर भी वहाँ पे है तो उनको कॉल करी तो उसके बाद से तो बस जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ी सभी सभी को कहाँ से मोटिवेशन मिली कहाँ से इंक्रेजमेंट आई क्योंकि एम होता है जब आप सोचते हो कि इतने बड़े एग्ज़ाम को अपने क्रैक करना यू पी को करना तो कहीं से इंस्पायर होता है इंसान कि किसी को देख करके ऐसा कोई है लाइफ में जिसको देखकर आप इंस्पायर हुए या खुद ही आपका एम था कि आपको एक दिन जो है इस प्लेटफॉर्म को हासिल करना लो सर जो इनकरेज है वो शुरू से करा फ़ादर ने अभी मैं टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में ही था तो तब से वो मेरे को गाइड करते थे इनकरेज करते थे कि उस टाइम पे तो पता भी नहीं था कि आई आईपीएस एस आई क्या होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या होता है लेकिन उन्होंने गाइड करा कि दिस इज़ वन थिंग विच आई वॉन्ट टू डू तो फिर जैसे जैसे ग्रेजुएशन करी चीज़ें क्लियर होने लगी जब देखा क्या है आई तो एक इंटरेस्ट बनने लगा उसमें तो उसके बाद से तो फिर जब एक बार आपके अंदर से झील आती है कुछ करने की तो फिर तो मोटिवेशन आपकी जो है वो इनबिलिटी होनी चाहिए तो वैसे इंस्पायर वैसे फैमिली ने काफ़ी इंस्पायर करा हो तो प्राइम जो करा वो फ़ादर साहब ने करा जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हासिल करना होता है अचीव करना होता काफी है काफ़ी सारी कठिनाइयाँ चैलेंजेस सामने आते हैं क्या चैलेंजेस आपने फ़ेस किए और कैसे आप ओवरकम आप वहाँ से जो है बाहर निकले सर so, चैलेंजेस uh, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है चैलेंजेस इसमें काफ़ी हैं Uh, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस में होता है कई बार ऐसा होता है कि आप एक स्टेज में करते हो तो दूसरी में आपका नहीं हो पाता तीसरी स्टेज में फेल हो जाते हो तो उस बात उसके बाद आप फिर से आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है मान लो आप मेंस में रह गए हो या इंटरव्यू में रह गए तो आपको फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा बाकी सबके साथ तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा थर्ड अटैम्प्ट था जिससे पहले मैं एक बार मेन्थ्स लिख चुका था तो उस टाइम पर अपने आप को संभाल पाना काफ़ी मुश्किल था लेकिन फैमिली का साथ रहा फ्रेंड्स का साथ रहा सभी ने सभी सपोर्टिव थे सभी ने मोटिवेट करा तो फाइनली uh, हो पाया मेरा बहुत सारे एक्सपीरियंट्स uh, हम देखते हैं जब फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में क्वालीफाई नहीं कर पाते उम्मीद छोड़ देते हैं निराश होते हैं हताश होते हैं और कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं कि अब नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो किस तरीके से जो वो सिचुएशन रहती है वो टाइम रहता है उसको वहाँ से जो है आगे निकलना चाहिए और आपके सब आपके पास भी टाइम आया दो बारी आपको जब विफल रहे तो अब थर्ड में अटैम्प्ट में आपने जो है इसको क्लैरिफाई किया है कैसे मोटिवेट करेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को युवाओं को कि वो भी जब ऐसा समय आए तो उस चीज़ को कैसे जो है पास सबसे पहले तो सर मैं यही बोलूँगा कि गिवअप नहीं करना है दूसरा आपने आपको पूछो कि वाई यू वॉन्ट टू डू दिस आपकी इेट जो मोटिवेशन है वो क्या है किस आपके पास कुछ ना कुछ होगा कुछ ना कुछ आपने ऐसा फील करा होगा लाइफ में जिसे आपके आपको लगा होगा हो कि लगा होगा कि अगर आप इस चीज़ में आते हो सिविल सर्विसेज में तो यू कैन मेक एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी तो उस चीज़ को पहचानो अगर आप उस चीज़ को पहचानते हो तो मोटिवेशन खुद ब खुद आएगी और अगर आप फेलियर भी फेस करते हो इस एग्ज़ाम में आ, इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम अगर आपका नहीं भी होता तो उसके बाद भी यू विल कम आउट एज ए बेटर पर्सनैलिटी तो इस इसी चीज़ को मैं बोलूँगा कि इेट मोटिवेशन को पहचानो फोर थर्टी सिक्स से रैंक आपने कहीं आई पी एस कैडर शायद आप चूज़ करेंगे आई पी एस में आप जाएंगे तो प्रॉटिस क्या रहेंगी क्योंकि हमारे देश की बात करें करप्शन और क्राइम ये दो ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर सियासत भी चलती है एडमिनिस्ट्रेशन भी चलती है ब्यूरोट्स भी चलते हैं कहीं ना कहीं सफाई करने का प्रयास सब जो लोग कर रहे हैं आपकी प्रॉर्टीज़ क्या रहेंगी ड्यूरिंग जॉब सर uh, जैसा कि आपने बोला कि आईपीएस मेरे को मिलेगा आईपीएस सर्विस में मैं जाऊंगा तो एज़ एन आईपीएस ऑफिसर सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होती है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी उसके बाद से अगर करप्शन की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों के मन में एक परसेप्शन है पुलिस डिपार्टमेंट को ले कि पुलिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम सॉल्वर बट इट इज़ अ ट्रबल क्रिएटर तो मैं चाहूँगा कि उस चीज़ को इम्प्रूव uh, किया जाए एक कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ काम किया जाए लोगों का जो परसेप्शन है पुलिस को लेके कि पुलिस इज़ नॉट ए फोर्स इट इज़ ए सर्विस टू द नेशन तो उस चीज़ पे मैं वर्क करना चाहूँगा क्या कहीं ना कहीं आज की डेट की बात करें तो प्रयास काफ़ी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए हैं पुलिस और पब्लिक मीटिंग्स होती हैं गैप ख़त्म करने के बाद की है रिलेशन डेवलप हुए हैं तो क्या लगता है कितना ज़रूरी रहेगा उस रिलेशन को मेंटेन करना और जो खोफ एक आम पब्लिक के मन में वर्दी को लेकर क्योंकि नई जनरेशन आप नई सोच के साथ काम कर रहे हैं हम और भी देखते डिपार्टमेंट चाहे सब इंस्पेक्टर की बात करें जितनी नई भर्तियाँ हो रही हैं वो नई सोच के साथ काम कर रहे हैं और चेंजिंग जो काफ़ी पुलिस डिपार्टमेंट देखने को मिल रही हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जो रिलेशन और जो गैप है उसको ख़त्म करना वो किस तरीके से देखें जी सर जैसे आपने बिल्कुल बताया कि इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जैसे थाना डिवस अभी हमारे एलजी साहब ने रिसेंटली लॉन्च करा था उसका प्राइम फोकस यही था कि लोगों के मन में जो परसेप्शन है पुलिस को लेके उनके एक ग्रीवान्श ड्रेसल है जो वो ऑन द स्पॉट की जाए और ये परसेप्शन चेंज किया जाए तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बिल्कुल यंग ब्लड जो है वो पुलिस सर्विस में आ रहा है जो हमारे एस SI के आपने बताया वो भी यंग बिल्कुल आए हैं और जैसे मैं भी अगर एज एन आई जाता हूँ तो मेरा यही होगा कि पुलिस लोगों को एक फ़ोर्स की तरह मतलब लोग उसको एक फ़ोर्स की तरह ट्रीट ना करें वो एक सर्विस की तरह जो एक स्टीरो बना हुआ है हमारी सोसाइटी में कि पुलिस थाने में जाने से भी लोग कतराते हैं कि मतलब एक बैड इंप्रेशन पड़ता है सोसाइटी में तो वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए और ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पुलिस का उसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है मैं मानता हूँ प्लेटफॉर्म्स की बात करूँगा एक समय था जब कुछ लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स होते थे या जम्मू में होते नहीं थे बेसिकली बाहर लोग ज़्यादा वो करते थे और जो बाहर से कोर्स करके आते थे वही कहीं ना कहीं जो है अटैम्प्ट करते थे उसके बाद क्लेफाई करते थे लेकिन आज के टाइम पर प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हैं सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ देम तो कैसे आप कहेंगे कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे होनी चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स की और जो लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे नहीं उस प्लेटफॉर्म पे जाना है काउंसलिंग लेनी है आ, कोचिंग लेनी है या हमें बाहर जाना है जम्मू से बाहर जाना है या इंडिया से बाहर जाना है उनके लिए क्या कहेंगे सर सोशल मीडिया जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक ट्विन एज स्वाड है तो उसको आप बेटर वे भी, भी यूज़ कर सकते हैं और इन ए बैड वे आल्सो तो जैसे जैसे ये सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन जो इंक्रीज़ हुई है इंडिया में वैसे वैसे ये कंपिटिटिव एग्जाम्स समवट वट एक ईजी हो गए हैं क्योंकि अभी आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है आप घर पे बैठे ऑनलाइन कोचिंग जैसे मैंने खुद अपने ऑप्शनल की जो कोचिंग है वो घर पे बैठे ऑनलाइन ली थी तो दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है इससे आपकी कॉस्ट रिडक्शन भी होगी एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज़ होती है बच्चे हम देख रहे हैं कि रूरल एरियाज़ से काफ़ी वो उनको एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हुई है तो वो निकल के आ रहे हैं आई ए एस आई और ना सिर्फ प्रिपरेशन में मैं बोलूँगा कि जब आप सर्विस में जाते हो उसके बाद भी सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द पुलिस सर्विस आल्सो जैसे आप कैसे मैनेज करते हो फेक न्यूज़ कैसे मैनेज करते हो आप अगर कहीं पर राइट्स हैं तो आप कैसे यूज़ करते हो सोशल मीडिया का सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैं मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोशल मीडिया का आखिर में पूछूँगा आपसे नशा बहुत बड़ा एक चैलेंज है यूथ डाइवर्ट हो चुका है सबकी बात तो नहीं करेंगे लेकिन यूथ है डाइवर्ट हो रहा है नशे की तरफ जा रहा है पढ़ाई लिखाई से फिज़िकल एक्टिविटी से दूर भाग रहा है मैसेज क्या रहेगा लास्ट में उनके लिए कि, कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों से हटकर आप जैसे यूथ को जो है इंस्पायर इंस्परेशन मानकर जो है वो भी अपने फ्यूचर को जगह में हो सर मैं यही बोलूँगा कि अपने रोल मॉडल्स को अच्छे से चूज करो आ, किस को आप अब किसकी तरह बनना चाहते हो उसको अपने साइड में रखो और उसी की तरफ वर्क करो जैसे अगर मैं मानता हूँ कि अगर आज मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर कराया तो अगर मैं किसी दो तीन बच्चों को भी इंस्पायर कर पाता हूँ एक अच्छी तरफ अच्छी लाइन की तरफ तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगा और सभी यूथ से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ अच्छा करो अपने रोल मॉडल्स अच्छे से चूज़ करो और अपने पेरेंट्स को और अपनी सोसाइटी को प्राउड फील करवाओ एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपने क्वालिफ़ाई किया कई जो देख रहे होंगे व्यवर्स आपको जो कहीं ना कहीं परस्यू कर रहे हैं क्या उनके लिए कुछ आप कहना चाहोगे कि अगर कोई हेल्प उनको चाहिए क्या आप हेल्प के लिए रेडी उनके या किसी भी प्रकार की कोई आपको कॉल कर सकें या कोई गाइडेंस लेनी है मोटिवेशन जी बिल्कुल सर मैं ट्वेंटी फोर सेवन अवेलेबल हूँ किसी भी तरह की गाइडेंस कोई भी हेल्प प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो आई विल ऑलवेज़ भी रेडी Uh, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो वो मेरे को वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं जितनी मेरे से हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा सभी की जी मतलब है। भी हमारे साथ हैं आपसे ही बात करेंगे क्या मूवमेंट है आपके लिए बेटे ने आई यू पी क्रैक किया है एम रहता है माता पिता का सीना गर्व से चोड़ा हो जाता है जब इस लेवल के प्लेटफॉर्म बच्चे हासिल करते हैं क्या कहें बड़ी मतलब खुशी की बात है बच्चे बड़ी आ, मतलब कि मैं बोल नहीं सकती हूँ जो फील कर रही हूँ एक माँ के लिए बच्चे के ऊपर बहुत मुझे ना कितनी सपोर्ट बच्चों की करनी चाहिए जब जबकि बच्चा कहता है कि मुझे ये चीज़ करनी है क्योंकि कई बार माता पिता का भी रोल अहम रहता है कि बच्चे से एक बार नहीं हो दो बार नहीं हो पाया कहने की पिता की ख्वाहिश रहती माता की रहती है कि यार ये फील्ड छोड़ दे ये फील्ड कर ले नौकरी ले ले अपना रोजगार कमा उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि कितना इनकेज मोटिवेट और इंस्पायर जो है बच्चों का मैं तो यही कहूँगी कि अगर बच्चे में काबिलियत है पहचानने की पहचानने की जरूरत है तो फिर बच्चे को फुल सपोर्ट करो उस पर अपना प्रेशर ना डालो कि बच्चे नहीं आपने ये नहीं बनना जे बन जाओ पहले देखो कि बच्चा क्या बनना चाहता है उसमें गर्स है तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली उसको सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पर आप हैं नमनी सिंह जी आरसपुरा के रहने वाले हैं यूपीएससी का एग्जाम जो है वो क्रैक किया है क्लैरिफाई किया है 436 रैंक लिया है आईपीएस कैडर में जाएंगे और प्रोर्टीज रहेंगी जिसमें क्राइम की बात करें करप्शन की बात करें और कई चेंजेस जो है इन्होंने बात किए जब ड्यूरिंग जॉब हुआ है उसको चेंज लाने का जरूर कोशिश करेंगे और किस प्रकार इंडिया के लिए भारत के लिए जो सर्व करेंगे मैं सब देखना होगा फिलहाल एक बहुत मुबारक की बात है आरसपुरा के लिए यहाँ के लोगों के लिए और पर्टिकुलर नवनी सिंह जी के लिए तमाम रिलेटिव फ्रेंड्स यहाँ पर पहुँचे हैं मुबारकबाद दे रहे हैं खुशी का माहौल है घर में और हम भी यही उम्मीद करेंगे शुभकामनाएं देंगे इनको कि आने वाला इनका जो सफ़र है वो भारत माता के लिए हो और जो भी इन्होंने सोचा है उसको ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली जो है वहाँ पर सर्व करें सोसाइटी के लिए और समाज के लिए और अपने देश का नाम जो है उसको रोशन करें बाकी टेक वन के तमाम अन्य अपडेट्स के लिए वो डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारा व्हाट्सअप नंबर है नाइन सेवन टू तुम सवाल के साथ रोहित शर्मा टेक वन डे वन से जब तो मैं इसे मिला हूँ तो मुझे ये लग रहा था कि इसमें एक कैलिबर है कि कोई भी पेपर ये क्रैश कर सकता है क्लियर कर सकता है और कॉलेज टाइम से बहुत फोकस था अपनी स्टडीज़ को लेके अपने एम्स को लेके बहुत ही हार्ड वर्क करता था मुझे अभी भी याद है जब हमारे एग्जाम्स हुआ करते थे सेमिस्टर्स के तो ऑलमोस्ट सिविल की जो क्लास थी सारी हमारे पीजी में होती थी इससे पढ़ने के लिए तो हमें तो डेफिनेटली ये था कि ये ये एग्ज़ाम क्रैक करेगा और उसने अपनी मेहनत के साथ अपनी लगन के साथ ये एग्जाम क्रैक किया और बहुत ही डाउन टू अर्थ है सबकी हेल्प करता है सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है और हमारी बहुत रिस्पेक्ट करता है हमें प्राउड है अपने दोस्त पे कि उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और हम भी फख्र से कहेंगे कि हमारा दोस्त नवनीत सिंह आई ऑफिसर है टेक वन अब आपके व्हाट्सएप आरोप करिए